ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ 'ਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 17 ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਗ ਹੋਟਲ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਦਸਤੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, DCP MS ਰੰਧਾਵਾ, ਪੀੜਿਤ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर कर रहे हैं जिसमें कॉज ऑफ डेथ भी पता करने की कोशिश की जाएगी और इसमें जो जो वायलेशंस थे इस होटल के और इस बिल्डिंग के वो सारे भी इंक्वायरी में निकल के आएंगे। जितने जो जो लोगों की मौत हुई है उनको सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी और दूसरा अभी यहाँ के जो हमारे लोकल MLA हैं और ऑफिसर्स हैं उन्होंने बताया इस एरिया में और भी इस किस्म के होटल्स चल रहे हैं जो इस तरह की वायलेशंस कर रहे हैं तो उनकी भी सबकी ये रिपोर्ट आ जाए उसके बाद इस एरिया में चलने वाले सारे होटल्स की वायलेशंस आइडेंटिफाई करने के लिए इंक्वायरी करें। सर NOC मिली हुई थी सर, क्या वायलेशन से बिल्डिंग बायलॉज का सर ये भी बहुत बड़ा NOC कैसे मिल गई अगर लापरवाही पता कराते हैं इंक्वायरी में पता कराते हैं कि अगर इनके पास बिल्डिंग लॉज की वायलेशन है तो इनको NOC कैसे मिली। सर इस होटल की नीलामी की भी सूचना थी कि कुछ समय पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से इसकी नीलामी के भी प्रोसीजर्स इनिशिएट किए गए थे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हादसा दिखाया जा रहा है हादसा ना होकर के कुछ और है। ये तो इंक्वायरी में पता चलेगा, मुझे इसका आइडिया नहीं है। अगर ये वाला एंगल है तो इंक्वायरी में इस एंगल को भी एक्सप्लोर किया जाए। सर अभी तक कोई जानकारी मिली है कि किस तरह का वायलेशन किया गया था? अभी तक जो जांच टीम है उनसे बात हुई आपकी? जो अभी ऑफिसर से मैं बात कर रहा था वो लोग बता रहे हैं कि बिल्डिंग बायलॉज की वायलेशन हो सकती हैं। इनके पास होटल चलाने का लाइसेंस था कि नहीं था इस पर क्वेश्चन मार्क है, इनके पास बार चलाने का लाइसेंस था कि नहीं था इस पर क्वेश्चन मार्क है। ये सारी चीज़ें इंक्वायरी के बाद पता चलेंगी। ठीक है सर। अभी दुर्भाग्यपूर्ण आग लगी थी, ये हमारे पास सुबह 4:45 के आसपास की कॉल है। उसके बाद फायर टेंडर्स की टीम आई है, कैट की एम्बुलेंसेस आई हैं और जो ये होटल है जिसमें अभी हमारी बड़ी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से 45 रूम्स हैं जिसमें 55 के आसपास जो गेस्ट हैं वो रुके हुए थे और अभी तक हमने हॉस्पिटल्स को यूज़ किया। RML हॉस्पिटल्स में कैट इंजर्ड्स को लेके गई हैं, गंगाराम हॉस्पिटल लेके गई हैं, BL कपूर लेके गई हैं। वहाँ से जो अभी तक हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन है, उसमें 17 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो चुकी है और आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस अभी चल रहा है। बाकी जो हमारा सीन ऑफ क्राइम है वो हमने प्रॉपर CFSL रोहनी और CFSL लोधी कॉलोनी और FSL रोहनी उनसे अभी हमने चेक करवाया है। NDRF की टीम आई थी जिसने इस बात की पुष्टि की है कि अभी कोई भी अंदर आदमी नहीं फंसा हुआ और इसी तरह हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है, एविडेंस हम इकट्ठा कर रहे हैं। क्या होटल के समय समय पे जैसे भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपसे शेयर करेंगे। क्या होटल मालिक का कुछ पता चला है? वो अभी आपको जैसे पता है कि अभी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन और आइडेंटिफिकेशन चल रही है, सिमल्टेनियसली हमारी टीम्स लगी हुई हैं। कुछ हमने कागज काफ़ी इनके सीज किए हुए हैं जो हमें इनकी रिटर्न स्टेटमेंट से भी पता लगा है उसमें भी आया और कुछ जो कागज सीज हुए उसमें भी हमें पता लगा है कुछ होटल के ऑनर। सर सुरक्षा के क्या इंतजाम थे यहाँ पर फायर के लिए, क्या सेफ्टी की इंतजाम थे? वो एक बार हम इन्वेस्टिगेशन कर लें, सारे कागज देख लेंगे, उसके बाद ही आपसे शेयर करूंगा। मैं यहाँ का रहने वाली हूँ। मेरा नाम कल्याणी, यहाँ का रहने वाली हूँ करोल बर्ग से। तो यहाँ पे मैं दिल्ली परदेसिया BJP अभी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे को फ़ोन आया था तो आप लोग ये केरला के जो 13 लोग ठहरे हुए हैं होटल में तो आप जाके देख लेना। मैं इतनी में यहाँ आया, सब कुछ हो चुका है। अभी 5 लोग हमारे सही सलामत है, 5 लोग अस्पताल में है, 3 लोग मिसिंग है और 3 लोग गायब हो गए। हमारे को 3 लोगों का किसी तरीके से भी ढूंढना है। आग बड़ी थी और काफ़ी लोगों को बचाया जा सकता था अगर अंदर जो है होटल स्टाफ शुरू में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर लेता या टाइम पे हमें इतला दे देता। कितने लोगों की जान जा चुकी है? 17 लोगों की डेथ है। और क्या कारण हो सकता है जिस पे आग लगी? कारण अभी हम पता करेंगे, पहली प्रायोरिटी होती है कि ह्यूमन लाइफ को सेव कर लें। और ये आपको इन्फॉर्मेशन कितने बजे मिली? 4:30।